नमस्कार, मैं रोहित कुमार, अध्याय एक के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा आज का आसमान में टिमटिमाते तारे, और दूसरा टॉपिक है पृथ्वी हमारा घर, और तीसरा टॉपिक है उपग्रहों की सैर। तो चलिए एक एक करके हम सबको देखते हैं। चलिए तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, आसमान में टिमटिमाते तारे। चलिए देखिए, हम तारों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले तारों के बारे में बता दिए हैं, अब हमको फिर देखना है तारों के बारे में। फिर से यहाँ टॉपिक दिया है तो इसको देख लीजिए। तारों का अपना प्रकाश होता है, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि एक तारे हमसे काफ़ी दूरी पर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो तारों के बारे में आपको बता दिए थे इसके पहले, चैप्टर के पहले ही दिया हुआ था कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो आपका एक प्रश्न मिल गया, आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बुक में कि तारों का अपना प्रकाश होता है, चूंकि एक तारे हमसे काफ़ी दूरी पर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक क्या है, तारा ही है। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। देखिए, सौरमंडल में बहुत से सूर्य के जैसे बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन जो सूर्य है पृथ्वी से नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है, यानी कि इसमें 8 मिनट लगभग कितना समय में पहुँच जाता है, 8 मिनट में पहुँच जाता है। यानी कि करेक्ट बात करें तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 8.3 मिनट का समय लगता है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, 8 दशमलव है, यहाँ 8.3 मिनट का समय लगता है, या 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, या 500 सेकेंड का समय लगता है। ऐसे भी आप तीनों जगह देख सकते हैं। ठीक, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारा, यानी कि सूर्य पृथ्वी से इतने दूर पर है, ठीक थोड़ा सा इसके बाद में नज़दीक के तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं। यानी कि लगभग कितना समय लग जाता है सूर्य के छोड़ करके बाकी दूसरे इसके नज़दीक के तारा का प्रकाश पहुँचने में, सूर्य से देखिए थोड़ा दूरी पर है तो इसका समय कितना लग जाता है, 4 वर्ष का समय लग जाता है, लगभग 4 वर्ष के, यानी कि करेक्ट कहे तो 4.2 वर्ष का समय लगता है। सूर्य को छोड़ करके पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो तारा है उसका पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लग जाता है। चलिए देखिए, इसके बाद में यहाँ 2 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए, यानी कि प्रकाश के गति को ज्ञात कर लेना है और सूर्य के दूरी का क्या करना है, पता लगाना है। तो चलिए देखिए, देखिए तो प्रकाश की गति क्या है, यानी कि प्रकाश की क्या चाल, प्रकाश के चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश का चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी लिख सकते हैं समय, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि इसको जब हम बदलेंगे तो कितना होगा, 8 गुना सेकेंड में बदलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं +20 सेकेंड। चलिए तो 8 × 6 = 48, 480 सेकेंड +20 सेकेंड, यानी कि 500 सेकेंड। तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, 500 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, 500 सेकेंड। तो चलिए अब देखिए, दो चीज़ आपका मिल गया,
चाल और समय, तो क्या कर रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के दूरी को ज्ञात करना है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के दूरी को क्या करना है, इसके दूरी को क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कितना है, 300,000 कितना है, चलिए चाल कितना है इसका, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड गुना कितना समय लगा, 500 सेकेंड। यानी कि सेकेंड, ये देखिए प्रति का मतलब ये बट्टा में रहता है, सेकेंड से सेकेंड को खत्म कर दीजिए, 5 × 15 एकर को जीरो है, 5 ओकर 2 जीरो, को जीरो हो गया इस पर 7, चलिए तो 7 जीरो हो गया, यहाँ कोमा बैठा दीजिए, यहाँ कोमा, यहाँ कोमा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,000 10,00,000 करोड़ 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो ऐसे आप इसके दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसमें दूसरा प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंडों के नाम पता कीजिए। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन आकाशीय पिंड है, तो देखिए इसमें आप लिख सकते हैं कि ग्रह, देखिए ग्रह इसमें कौन कौन पड़ेगा, तो बुध और शुक्र, और एक क्या पड़ेगा इसके बीच में, चंद्रमा पड़ेगा, ठीक। तो आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद में हमारा टॉपिक है पृथ्वी हमारा घर, पृथ्वी हमारा घर। तो इस पर हम यहाँ चर्चा कर लिए हैं, इसके पहले भी पहला एपिसोड में भी हम चर्चा कर लिए हैं इस पर। चलिए तो इसमें भी आप देख लीजिए, ठीक, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यही वह मात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला नजर आती है, पृथ्वी कैसी नजर आती है, नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, तो वायुमंडल में जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है इसीलिए अंतरिक्ष से हमें पृथ्वी को देखने पर नीला नजर आता है, ठीक। तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन अधिक होता है, कारण यही है, देखिए जब आकाश से हम देखते हैं तो नीला रंग का परावर्तन अधिक होता है, ठीक, समुद्री सतह से नीला रंग का परावर्तन अधिक होता है, इसलिए हमें पृथ्वी के आकाश से नीली नजर आती है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है, तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, 71% जल है, तथा मात्र 29% स्थल है। पृथ्वी का जो कुल भाग है उसमें से 71% जल है, जबकि 29% क्या है, लैंड है, भूमि है। अतः जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है उपग्रहों की सैर, उपग्रहों की सैर। तो आप ग्रहों के बारे में देख लिए हैं, अब किसके बारे में देखना है, उपग्रहों के बारे में देखना है। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, चांद कहते हैं, यही चांद है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, यह पिंड का नाम क्या है, चांद है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चांद है, यह एक पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है।
तो आप समझ गए कि इसका उपग्रह कौन है, पृथ्वी का उपग्रह बता दिए कि कौन है, तो चांद है, यानी कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। इसके बाद में है चंद्रमा, पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। देखिए सूर्य इतना छोटा, सूर्य और चंद्रमा एक टाइप के दिखाई देते हैं, तो कारण देखिए सूर्य बहुत दूर है इसीलिए उतना बड़ा दिखाई देता है। तो समझिए कि चंद्रमा इतना नज़दीक आ जाएगा तो कितना बड़ा दिखाई देगा, तो कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 मिनट में पहुंचता है। तो चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो 1.25 मिनट में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। जो चंद्रमा है पृथ्वी के परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है, 27 दिन 8 घंटा में, जबकि आपका पृथ्वी जो है सूर्य के एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। वहीं जो चंद्रमा है तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में एक चक्कर 27 दिन 8 घंटा के समय लेता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। देखिए चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है और इतने 27 दिन 8 घंटे में ही अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। देखिए दो प्रश्न है इसमें कि चंद्रमा 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी के एक चक्कर को पूरा करता है और 27 दिन 8 घंटे में ही अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन गति को पूरा कर लेता है। वहीं बात देखिए पृथ्वी के साथ है, तो पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, जबकि अपने अक्ष पर वह 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा कर लेती है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु, इसीलिए इस पर जीवन संभव नहीं लगता है, लेकिन इसका तो खोज हो रहा है। यह दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है, यानी कि इसके ऊपर जो है ना बहुत उबड़ खाबड़ पत्थर है और बालू ज़्यादा है, इसीलिए दिन में क्या अधिक गर्म हो जाता है, रात में अधिक ठंडा हो जाता है। तो देखिए इसका धरातल उबड़ खाबड़ है, चंद्रमा का जो धरातल है कैसा है, उबड़ खाबड़ है, और इस पर मिट्टी भी नहीं है, इस पर क्या है, पत्थर है और बालू है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं, कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। जैसे देख लीजिए बृहस्पति है, शनि है, इलो का ग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह है और किसी को एक भी नहीं, अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। तो बृहस्पति ग्रह याद रखेंगे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, जिसके उपग्रहों की संख्या 63 है, और शनि ग्रह उससे एक कम है, यानी कि शनि ग्रह के ग्रह उपग्रहों की संख्या 62 है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में कह रहा कि शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह में 62 उपग्रह है जिसमें टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, जिस प्रकार से ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता उसी प्रकार से उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता। ये सभी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, चाहे उपग्रह हो या ग्रह हो, या किसके प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चलिए तो उसके बाद में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कि रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें, कॉपी पर लिखे कि आपने क्या देखा, इसकी तुलना दादा दादी के कहानियों से। देखिए चंद्रमा वहाँ नहीं है, वो क्या है, चंद्रमा है, वहाँ भी एक क्या पिंड है, मिट्टी के गोला, यानी कि अभी मिट्टी के गोला आकाश में घूम रहा है, ठीक। तो चंद्रमा जो है उस पर क्या है, रेत है, आपको देख रात में देखने के बाद में कैसा दिखेगा, उबड़ खाबड़ दिखेगा, ठीक। चलिए तो इसको आप अपने मन से लिख लेंगे।
सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा क्या एक पिंड है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसी प्रकार से कई ऐसे छोटे छोटे पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो उसी प्रकार से आज प्लूटो भी क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर आज भी चक्कर लगाता है, लेकिन यह ग्रहों के श्रेणी से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं, देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं और एक लास्ट में होते हैं जो दिख रहे हैं। खगोलीय विदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूम रहे हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस यानी साइरस लोग बोलते हैं, या डॉग स्टार इसको बोलते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सिरस है, ठीक, जिसको साइरस भी लोग बोलता है और डॉग स्टार भी बोलता है, ठीक। चलिए बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।